भारतीय विमानन कंपनियों के साथ साथ विदेशी कंपनियां भी फंड की कमी से जूझ रही है। इसी बीच खबर आ रही है कि 178 साल पुरानी ब्रिटिश टूर ऑपरेटर एवं ट्रेवल कंपनियों में शुमार थॉमस कुक बंद हो गई है। बताया जा रहा है कि कंपनी लंबे समय से फंड की कमी से लड़ रही थी और उसके पास बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए कंपनी ने बंद करने का निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद कंपनी में काम करने वाले 22,000 कर्मचारियों के भविष्य पर संकट मंडराने लगा है। बताया जा रहा है कि कंपनी बंद होने के बाद सभी कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। कंपनी थॉमस कुक के चीफ एग्जीक्यूटिव पीटर फैंकहॉजन ने कंपनी के बंद होने की जानकारी देते हुए ग्राहकों, सप्लायर्स, कर्मचारी और पार्टनर्स से माफी मांगी है। मामले में यूके की नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने कहा है कि 23 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक रेगुलेटर व सरकार 150,000 से अधिक ब्रिटिश ग्राहकों को घर वापस लाने के लिए मिलकर काम करेंगे। CAA ने ट्वीट कर बताया कि सभी बुकिंग्स रद्द कर दी गई है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।